मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जय हिंद फ्रेंड्स। मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया, तो बेचारे भगोड़े हो गए। वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भाग भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे, मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। अगर राम के जीवन में जंगल को हटा दिया जाए, उस 14 साल की साधना को हटा दिया, आप देखिए 14 साल की साधना। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई? मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया, तैयार है। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा, करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें, तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा? हाँ। बोली बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता आपको भी कहा गया होगा बस 3 साल, अब आपने पढ़ लिया 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर IIT निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, KGMC मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया, IIT भी निकल गया। अब जब आप IIT से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया, आपके मोहल्ले का एक लड़का IAS हो गया, पूरा खानदान में दहेज को, पूरा खानदान को दहेज में BMW मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा हाँ, चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ। बोले जब ये मामूली सा, ये सिंह साहब का लड़का अगर IAS बन सका, तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा बिल्कुल, हमारे लिए क्या है? और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर IAS बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप कहीं भी संघर्ष का। फिर ये हुआ कि भाई IAS बन गए, अब चलो शादी हो गई, शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया, फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया, फिर अब बच्चों की जिंदगी बना। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही है, ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है, और वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है, ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। से जब लोग बहुत अच्छा करने लगते हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, मजा लेने के लिए। लोग चेक करते हैं कि ग्रुप 8 एलिमेंट हो कि हाइड्रोजन हो ग्रुप 1 एलिमेंट, तो तुम्हें साबित करना पड़ता है। चलो बताओ, जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं, हाथ में, कोई यार तुमसे कहा भैया हमको कुत्ता काट लिया, तुमको लगता है यार उसको मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूं, उसको लगवा दो। कोई कह रहा भैया हमारे पास मकान नहीं है, कोई मकान बनवा देता, कहो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम इस उन चुनौतियों को लिखो, हम सबके सामने है, क्या मेरे सामने नहीं है? सबके सामने, यही तो जीवन है।
जीवन में सिर्फ एक आदमी है जिसके पास चुनौती नहीं, कम है, वो है चपरासी, सीजीएम का चपरासी, डीएम का चपरासी, एसएसपी का चपरासी, बाहर बैठा हुआ है मस्ती से, जो भी मिलने आता वो उसको भी राम राम कहता कि और बाबूजी बढ़िया बढ़िया, हाँ है, हाँ है, बैडमिंटन खेलने का बैठो, 500 रुपये दिए, कहा नहीं नहीं बुलाते हैं अभी तो बैडमिंटन खेल चुके हैं, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। चिंता किसके पास है? जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके पास जिम्मेदारी। इसलिए तुम हायरार्की में सर्विसेज में देखो, जितनी प्रधानमंत्री उसके सामने कितनी चुनौती है, हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन एक दिन अगर प्रधानमंत्री की चुनौती दे दी जाए ना, तो 90% लोग इस देश में हिंद महासागर में समाधि ले लें, क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती। तो तुम्हें यह डिसाइड करना है सिर्फ कि किन चीजों में मुझे प्रार्थना करनी है। अब तुम्हारे मामा है दुखी है कि तुम आईएस क्यों दे रहे हो, उनके लिए प्रार्थना करो। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार परेशान करते हैं, कृष्ण के भी तो किए थे परेशान, वो उनका धर्म है। रामायण में लिखा है रिश्तेदारों के लिए कि वो रिश्तेदार ही क्या जो अपने रिश्तेदारों को तरस ना करे, ये हम सबका धर्म है, ये एक अघोषित धर्म है जिसका सबको पालन करना पड़ता है, सब करते हैं। यही इन्हीं चुनौतियों को निपट कर जो आगे पहुंच रहा है वही नायक है। नायक ऐसे थोड़ी बनते हैं, इन चुनौतियों से निपट कर। सब जितने लड़के यहां बैठे हैं, हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, सबके पास चुनौती है, उन चुनौती ये है व्यक्तित्व। इसीलिए मैं एक बात पर आपको हमेशा हाथ जोड़ता हूं कि मोटिवेशन एक नशा है, वो चढ़ेगा उतरेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मोटिवेशनल नशेड़ी हो जाओगे, जब बेचैन होगे यूट्यूब खोल लोगे, ये फैट डालो, ये उखाट डालो, ये नचा डालो, तुम भी जोश में आके मोबाइले पटक दोगे कि लाओ साले उखाट डाले, आज मोबाइले नहीं रहेगा जीवन में, मोटिवेशन खत्म। तो मोटिवेशन क्या है? नशा है। मैं इस ठीक है सुनो, अच्छा बोलते हैं लोग भारत देश में, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको भी सुनो, लेकिन परमानेंट शक्ति की व्यवस्था करो। जंगल में हाथी गैंडा ये कभी डर के थोड़ी घूमते हैं, क्योंकि शक्ति है। जंगल में हिरन डर के घूमता है। तो जहां शक्ति है वहां उत्साह है। सवाल यह उठा कि शक्ति आएगी कैसे? ध्यान से, सदगुरु जी सांभवी करा रहे हैं, पंडित श्री रविशंकर हैं सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, इतने संत इस भारत में पड़े हैं। कभी तुम्हें छुट्टी मिले यार सक्तेशगढ़ चले जाओ, यही बगल में मिर्जापुर में स्वामी अड़गानंद महाराज का आश्रम है, वहां रहो ना एक हफ्ता, सेवा करके आओ। तुम सबका ड्रीम है कि छुट्टी मिल जाए तो गोवा चले आए। जब तुम्हारा संघर्ष का टाइम, भगवान राम को आश्रम में रहना पड़ा संघर्ष के समय में, क्योंकि आश्रम वो जगह है जो संघर्ष करने की क्षमता देता है, इसीलिए तो भारत प्रसिद्ध है आश्रम व्यवस्था के लिए। ध्यान करोगे दिमाग मजबूत हो जाएगा, योग करोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, और जब शरीर और दिमाग मजबूत हो गया उत्साह पैदा हो जाएगा। ये करना है ठीक। तो तुम लोगों जब भी मौका मिले, मतलब ये हाथ जोड़कर सब लोगों से निवेदन है कि आप को लोगों को जब भी मौका मिले, कोयम्बटूर में सदगुरु का आश्रम है, यहां सक्तेशगढ़ में है, बर्चर में है, भारत तो आश्रमों का ही देश है ना, और वहां जाइए, किसी का बेटा बन के मत जाइए। मेरे पापा डीजीपी है, सब संत महात्माओं की जगह मारते रात में डंडा 3 बजे उठा के, और सक्तेशगढ़ में तो महाराज जी सुनते ही नहीं किसी की, वहां तो 3 बजे जो सोता हुआ मिल गया ऑपरेशन तुरंत चालू कि मारो इसको पटक के। तो तुम 21 दिन अगर किसी विपासना, विपासना मैं बार बार जिस सेमिनार में जाता हूं कहता हूं यार एक बार तो कम से कम जाओ विपासना करके आओ, अपने मन को देखो, तुमको दिन भर बेवकूफ बनाता है, 4 बजे का अलार्म लगवाता है, सुबह 9 बजे उठाता है तुमको, फिर कहता है आज 14 घंटा पढ़ेंगे, फिर पता चला 1 घंटे बाद ले गया हजरतगंज चौराहा, 13 घंटे बाद वापस लाया, फिर रात में 11 बजे जलील कर रहा है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, तुम आदमी ही ठीक नहीं हो। फिर अब उस जलालत को तुम कहां निकालोगे? तो पापा को फोन कर दोगे कि कहे थे 500 रुपया भेजवा दे रहे, टेस्ट सीरीज चल रही हो, तुम पैसा नहीं भेज रहे हो, ऐसे थोड़ा निकलता एग्जामिनेशन। तुम वो गुस्सा पापा पे निकाल दिए, पापा गली में कुत्ते को 2 डंडा मार दिए, ऐसे चेन रिएक्शन चलता रहता। हर आदमी एक दूसरे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है।